नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की आर्ट बनाना। आज की आर्ट हम बनाएंगे 14 इंच के MDF बोर्ड के सर्कल पर। बिग साइज पर लिप्पन आर्ट का डिजाइन फ्रेंड्स बहुत अच्छा बनता है। आज की आर्ट में हम एक पिकॉक का डिजाइन बनाने वाले हैं, जिसे मैंने पहले से ही ट्रेस किया हुआ है। इस तरह का कोई भी डिजाइन आप नेट से निकाल कर ट्रेस कर सकते हैं। और यहाँ मैं सबसे पहले मार्बल पाउडर की थिक कोन से अपने पिकॉक की डिजाइन की आउटलाइनिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आउटलाइनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद लिक्विड पेस्ट की कोन से पिकॉक को फिल करेंगे। फिल करते वक्त कोन को पेस्ट से मिलाकर चलाना है, गैप बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो वह क्रैक हो जाएगा। एक पार्ट ड्राई हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट को फिल करेंगे। और पिकॉक के ऊपर जो डिजाइन है उसे भी मैंने कोन से ही बनाया है। आज की पूरी आर्ट फ्रेंड्स हम कोन से ही बनाएंगे। और ऊपर जो लीफ है उनके अंदर मैंने ब्रश का इस तरह से डिजाइन दिया है। लीफ पर यह डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, पिकॉक पर जो फिलिंग वर्क ड्राई हो गया है, एक बार फिर से हम कॉर्न वर्क करेंगे। आज मैंने पिकॉक के डिजाइन को रिलीफ पेंटिंग से बनाया है। और ये पिकॉक का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। और इसके साइड से जो सर्कल है वहां मैंने बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाया है, एक छोटी और एक बड़ी लाइन बनाकर उसके ऊपर बिग पॉइंट बना दिया है। इससे सर्कल बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आप भी थिक, मीडियम और लिक्विड कोन बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाउंड्री पर पेंसिल से ये सिंपल डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन के अंदर 4 से 5 लाइन है। 2 लाइनों के बीच में मैंने ये सुंदर सा डिजाइन बनाया है। आप अपनी पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। और कौन से हम अपनी सारी आउटलाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, आज मैंने एक तो मिड में डिजाइन बनाया है और बाउंड्री पर डिजाइन बनाया है। इनके बीच में जो स्पेस है वहाँ मैंने क्या बनाया है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्किप जरूर देखिएगा। और ये हमारा कोन वर्क कम्प्लीट हो गया है। कोन वर्क कम्प्लीट हो जाने के बाद फ्रेंड्स हम करेंगे व्हाइट एक्रिलिक कलर। ब्रश से कलर करने के बाद फ्रेंड्स मैंने स्पॉन्ज के रोलर से कलर को एक सा किया है। आप इसकी जगह सिंपल स्पॉन्ज का भी यूज कर सकते हैं।
स्पॉन्ज से कलर एक सा करने के बाद जो कलर है वो हमारा टेक्सचर की तरह दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हमने व्हाइट कलर की आर्ट बनाई है और कलर करने के बाद सबसे पहले हम करेंगे क्लियर वार्निश, क्योंकि क्लियर वार्निश करने के बाद एक तो शाइनिंग आती है और साथ ही हमारे जो वर्क है उसको भी मजबूती मिलती है। तो हमारी क्लियर वार्निश भी ड्राई हो गई है। चलिए अब हम लास्ट में करेंगे मिरर वर्क। बाउंड्री पर जो डिजाइन बनाया है वहाँ हम राउंड शेप्स और ट्रायंगल शेप्स के मिरर लगाएंगे। मिरर किस साइज के मैंने लगाए हैं फ्रेंड्स, इसका मैंने जो साइज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। चांद शेप और लीफ शेप के मिरर लगाकर बाउंड्री पर जो हाफ सर्कल है छोटा सा उसे मैंने कंप्लीट किया है और डिजाइन के साइड से जो लाइनिंग है वहाँ मैंने एस शेप के मिरर्स लगाए हैं। आपके पास जिस शेप्स के मिरर हैं आप लगा सकते हैं। और हमने जो पिकॉक का डिजाइन बनाया है वहाँ मैंने आई शेप्स के मिरर लगाकर अपनी पिकॉक को कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था कि जो मैंने स्पेस छोड़ा है वहाँ मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ, तो यहाँ मैंने 5 शेप के मिरर लगाए हैं और ये मिरर लगने के बाद में हमारी जो पिकॉक आर्ट है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, क्योंकि ये 5 शेप के मिरर भी फेदर की तरह ही लग रहे हैं। पूरी पिकॉक पर आई शेप के मिरर लगने के बाद जो डिजाइन है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पिकॉक को हमने आज रिलीफ पेंटिंग की तरह बनाया है, तो लास्ट में हम पिकॉक के ऊपर थोड़ा सा कॉर्न वर्क से डिजाइन भी बनाएंगे और इससे हमारी पिकॉक जो है बहुत सुंदर दिखने लगेगी। वैसे तो हमारा मिरर वर्क कंप्लीट हो गया है, पर जो डिजाइनर लीफ बनाई है वहाँ खाली स्पेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ मैंने गोल्डन आई शेप्स के मिरर लगाए हैं और इनको लगाने के बाद हमारे जो फेदर हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। और ये देखिए कंप्लीट हो जाने के बाद पिकॉक का आर्ट बहुत सुंदर दिख रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। थैंक यू।